सो गाइस, कि आपके प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड या फिर अपडेट नहीं हो रही है, तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक करेंगे आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आज़ाद कुशवाहा। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, हमारे सामने काफ़ी सारी एप्लीकेशन आ रही हैं, तो इसमें से हम यहाँ पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 10 करोड़ प्लस में डाउनलोड हैं, और यहाँ पर हम स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रही है। हमारे सामने इस तरह का पेज दिया जा रहा है जिसमें लिखा है कैंट डाउनलोड फ्लिपकार्ट ओनली शॉपिंग ऐप, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है। अगर से हम अंडरस्टूड पे क्लिक करते हैं, तो अभी हमारे सामने ये एप्लीकेशन है जो वो डाउनलोड नहीं हो रही है, और यहाँ पर हमारे सामने इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसको, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके लिए देखिए, आपको प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके सामने ऐप इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन खुलेगा, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको इसका क्लियर ऑल डाटा का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप इसका क्लियर ऑल डाटा कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग क्लियर ऑल डाटा करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग है जो फॉलो करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखिए, क्लियर डाटा आपने कर दिया, अब यहाँ पर आपको ऐप परमिशन में आना है, और यहाँ पर आपकी सारी परमिशन जो है वो अलाउ होनी चाहिए। लोकेशन की परमिशन भी आप यहाँ पर अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने डाटा का ऑप्शन आएगा, डाटा पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ से आपने डाटा को ऑन ऑफ करके रखा हुआ था, उसे आप ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप जिस भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, बड़ी आसानी से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।